नमस्कार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से मैं नम्रता शर्मा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज सबसे पहले मैं आपसे साझा करूंगी प्रोफेसर एस एस देसवाल डीन एकेडमिक्स द्वारा शेयर की गई चंद पंक्तियाँ जो संजोए हैं अपने में मनोबल, उत्साह और आशा की सकारात्मकता को। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भिजल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा कल चल निकलेगा। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के आधार स्तंभ, उसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग की ओर से आप सभी को बहुत सी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज बैसाखी का पर्व है और आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में हम नमन करते हैं। डॉक्टर गर्ग ने आज एक विशेष बात की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहा है। आज की गंभीर परिस्थिति में आवश्यकता है कि हम अपने किसान भाइयों का मनोबल बढ़ाएं। कृषक का मन तो खेतों में बिखरे सोने को देखकर प्रसन्न होता है। रबी की फसल तो पक चुकी है, लेकिन उसकी कटाई में बहुत से लेबर की जरूरत होती है, जो आज की परिस्थिति में किसान के लिए प्रश्न चिन्ह लगाए खड़ा है। संभव होगा ये तभी जब सहकारिता को अपनाया जाएगा। सहकारिता उत्पन्न होती है लोगों के एक साथ काम करने की इच्छा से। सहकारिता के आधार पर कृषक फसलों की कटाई का कार्य करें ताकि सभी को भोजन मिल सके। देश के अन्नदाता को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारा अन्नदाता, हमारा कृषक सदा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे। इस बैसाखी पर्व पर हम यही अरदास करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। आज ही का वो दिन है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा घिनौना कृत्य हुआ था। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में गत वर्ष हमने महाराजा अग्रसेन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इतिहास के बहुत से पन्ने हमसे साझा किए थे। डॉक्टर गर्ग ने शहीद ऊधम सिंह को याद करते हुए शहीद भगत सिंह से उनकी मुलाकात का जिक्र किया था। शहीद भगत सिंह से उनकी पहली मुलाकात लाहौर जेल में हुई थी। शहीद भगत सिंह और शहीद ऊधम सिंह दोनों की ही जिंदगी को दिशा देने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। शहीद भगत सिंह की ही मानंद शहीद ऊधम सिंह भी सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते थे और जनरल डायर पर गोली चलाने के जुर्म में शहीद ऊधम सिंह को फांसी की सजा हुई थी। देश के बाहर फांसी पाने वाले शहीद ऊधम सिंह देश के दूसरे क्रांतिकारी नेता थे। उनसे पहले मदनलाल ढींगरा को करजन वाइली की हत्या के लिए साल 1909 में फांसी की सजा हुई थी। गौरतलब है कि जिस जनरल डायर को शहीद ऊधम सिंह ने मारा, वो जलियांवाला बाग में हजारों लोगों पर गोली चलाने वाले जनरल डायर से भिन्न था। जनरल डायर की मौत तो 1927 में लकवे और दूसरी बीमारियों से हो चुकी थी। भारत में क्रांति भड़काने के ही उद्देश्य से शहीद ऊधम सिंह ने देश के एक अन्य दुश्मन जनरल डायर पर 13 मार्च 1940 को गोली चलाई और 31 जुलाई 1940 को लंदन के ही जेल में शहीद ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। पिछले वर्ष महाराजा अग्रसेन सभागार में प्रोफेसर एमएल गोयल, वाइस चेयरमैन एकेडमिक्स, ने हमारे साथ साझा की थी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता जलियांवाला बाग में पसंद।
और आज जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में मैं पुनः वो कविता आपके साथ साझा करना चाहूंगी। यहां कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर के भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, परिमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ये है शोक स्थान यहाँ न शोर मचाना, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करें गुंजार कष्ट की व्यथा सुनावे, लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ गीले गीले, किंतु न तुम उपहार भाव का आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय से भिन्न हुए हैं, आशाओं से भरे हृदय से छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर, ये सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, ये है शोक स्थान बहुत धीरे से आना, ये है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। गत वर्ष अतिथियों को इस अवसर पर जो स्मृति चिन्ह भेंट किए गए थे वे विशेष रूप से श्री बीएल महाजन जी के अनुरोध पर तैयार किए गए थे। प्रोफेसर रवि कुमार गुप्ता अमृतसर जाकर जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी लाए थे जिसे स्मृति चिन्ह में फ्रेम किया गया था। ये महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के परिवार की तरफ से शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि का द्योतक है। प्रोफेसर नीलम शर्मा डायरेक्टर मेट ने सभी से आग्रह किया है कि हम जहां भी हैं वहीं से मन ही मन शहीदों को श्रद्धांजलि दें और याद रखें कि हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, हम हमारे पुरखों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी कीमत चुकाई है, सेवा भाव समर्पण और त्याग के पथ पर बढ़कर हमें ये आज़ादी मिली है, हम आज़ादी का मूल्य समझें, शहीदों को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें, मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। प्रोफेसर रवि गुप्ता डायरेक्टर मेंस ने हमसे साझा किया है कि श्री एस के गर्ग डायरेक्टर जनरल मेंस अपने फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। परसों यानी 11 अप्रैल को मेंस ने स्टूडेंट्स स्किल और एफटीपी का ऑनलाइन आयोजन किया, विषय था स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग एंड यूजेज ऑफ फ्री टूल्स। एफटीपी के रिसोर्स पर्सन थे डॉक्टर राजीव कुमार पांडा एसोसिएट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। प्रोफेसर नीलम शर्मा डायरेक्टर मेट ने फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणात्मक संदेश साझा किया है। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कोट करते हुए कुछ बातें कही हैं। शी हैज आस्क्ड एवरीवन टू हैव ग्रिट परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन टू फाइट एनी डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ। We must accept finite disappointment, but never lose finite hope. She asked students to engage themselves in studies. Students must remain hopeful in every condition. After all, they are the life of our nation. She also said that it is hard to beat a person who never gives up. In MAIT, teachers are always available online for students' guidance. Teachers are guiding them for completing their curriculum. और अंत में हम real life heroes और medical warriors को पुनः प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी पवित्र कामना के साथ कि सभी प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, निरोग रहें, मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।